गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकंड ईयर। अभी हम जो हमारे टॉपिक चल रहे थे हर्डमानिया के, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखेंगे हर्डमानिया के जननांगों का वर्णन। ठीक है, तो हर्डमानिया कैसा होता है? ये जो है हर्मोफ्रोडाइट होता है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? दोनों सेक्स जो होते हैं वो एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, या ये उभयलिंगी होता है। ठीक है, किंतु ये कैसा होता है? प्रोटोगाइनस होता है। अब प्रोटोगाइनस क्या होता है? प्रोटोगाइनस का मतलब होता है, प्रोटो को यदि हम तोड़ेंगे तो प्रोटो का मीन्स हो जाता है पहले, ठीक है, और गाइनस का मीन्स हो जाएगा जो इसमें एग हैं उनका पहले बनना। ठीक है, तो इसमें जो एग पाए जाते हैं ओवरी में, वो कैसे होते हैं? वो पहले बनते हैं, स्पर्म बाद में बनता है और जो एग होते हैं वो पहले बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस कहते हैं। ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, मींस उभयलिंगी होते हैं, और प्रोटोगाइनस होते हैं, और इस कारण से इनमें क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एग पहले बन जाते हैं और वो पहले रिलीज़ हो जाते हैं, और स्पर्म बाद में बनते हैं और वो बाद में रिलीज़ होते हैं। तो ये जो है बाहर जाकर, बॉडी के बाहर जाकर के इसमें जो है फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता जबकि ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। फिर भी उसका कारण यही है कि ये प्रोटोगाइनस होते हैं, और प्रोटोगाइनस का मतलब ये हो गया कि पहले इसमें एग बन जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन बाद में होता है। ठीक है, अब आगे हम इसको देखेंगे कि गोनट्स कैसे होते हैं। इसके हर्डमानिया में मेंटल में धंसे हुए एक जोड़ा गोनट्स पाए जाते हैं। कहाँ पर धंसे हुए होते हैं? ये मेंटल में धंसे हुए होते हैं। ठीक है, ये रहा सामने आपके गोनट का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये ब्रेंकियल कैविटी तथा या एट्रियल कैविटी में उभरे हुए दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं? ये ब्रेंकियल कैविटी में या फिर एट्रियल कैविटी में उभार के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उभार जैसे हैं इनमें, तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं। फिर लेफ्ट गोनट आंत के छल्ले में तथा दाईं ओर जननांग पेरिकार्डियम के समांतर एवं उसके पृष्ठ की ओर होता है। जो इसका लेफ्ट गोनट होता है वो कहाँ पर होता है? इसके इंटेस्टाइनल लूप में, है ना, और राइट गोनट पेरिकार्डियम के समांतर और उसके पृष्ठ की ओर स्थित होता है। ये हो गई इसकी पोजीशन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसमें जो है प्रत्येक जननांग, मतलब जो एक प्रत्येक गोनट की बात करेंगे, है ना, तो ये कैसा होता है? लंबा पिंड के आकार का उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी से क्या मतलब हो गया? जिसमें दोनों सेक्स एक साथ पाए जा रहे हैं। जैसे हम इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे, जैसे हमने ये देखा, ये एक पिंड के आकार का है, है ना, ये पूरा। ठीक है, और इसमें क्या है? दोनों जो सेक्स हैं वो एक साथ पाए जा रहे हैं, यानी टेस्टिस इसी में है, है ना, और ओवरी भी इसी में है। यहाँ हम इसके स्ट्रक्चर को समझते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये होता है, जो कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 mm मोटा होता है। जो इसका साइज होगा वो क्या होगा? लगभग 3 से 4 mm, है ना, लंबा, यानी लंबाई जो होगी वो 3 से 4 mm होगी, चौड़ाई 1 mm, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 mm मोटा होता है। लगभग 10 से 25 स्पष्ट अंडाकार या गोल पिंड सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर दो पंक्तियों में लगे रहते हैं। अब हम इसका ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि इसमें दोनों साइड में, है ना, ये दोनों साइड ये लोब जैसी संरचना बनी हुई है, है ना, तो ये कैसे पंक्तियों में लगे रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जननांग पर पिछले सिरे पर सबसे बड़ा अर्धचंद्राकार या सेम के बीच जैसे लाल रंग का बड़ा क्षेत्र टेंटिकुलर क्षेत्र तथा अंदर की ओर गुलाबी रंग का छोटा ओवेरियन क्षेत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये रहा सेम के बीच के आकार का या फिर अर्धचंद्राकार, है ना, क्या है ये? एक अतिरिक्त जननांग होता है ये, जो कि कैसा होता है? अर्धचंद्राकार या फिर सेम के बीच के आकार का लाल रंग का होता है, और इसी से
बड़ा क्षेत्र, टेस्टिकुलर क्षेत्र तथा अंदर की ओर, ये तो हो गया टेस्टिकुलर क्षेत्र जिसमें टेस्टिस पाई जाती है ना, और अंदर की ओर गुलाबी रंग का छोटा ओवेरियन क्षेत्र। अब इसमें अंदर यदि हम देखें, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसे ना देख के हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया ये इसका टेस्टिस वाला भाग, और अंदर की ओर ये गुलाबी वाला हो गया ये ओवेरियन वाला भाग। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम समझ लें। यदि हम इनको लार्ज करके देखेंगे तो इसमें हमको यही स्ट्रक्चर यहाँ वाले ये जो हैं ये यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, टेस्टिकुलर क्षेत्र घने स्पर्मेटिक टिब्यूल्स का तथा ओवेरियन क्षेत्र पिंडदार होता है। जो इनका ओवरी वाला भाग है वो कैसा होता है, पिंड जैसा होता है, और जो इसका स्पर्मेटिक टिब्यूल वाला जो टेस्टिकुलर भाग होता है वो स्पर्मेटिक टिब्यूल की तरह भरे होते हैं उसमें। ठीक है, जिसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। अब ओवरी वाले भाग में क्या होगा, ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे। इस प्रकार जननांग का प्रत्येक पिंड उभयलिंगी या ओवोटेस्टिस होता है। ओवोटेस्टिस का मतलब क्या हो गया, ओवरी भी है जिसमें साथ में और टेस्टिस भी है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ओवोटेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब है गोनोडक्ट। गोनोडक्ट क्या है, प्रत्येक जननांग में सेंट्रल एक्सिस के सहारे दो जनन नलिकाएं गोनोडक्ट पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक जननांग के सेंट्रल एक्सिस में के सहारे में दो जनन नलिकाएं पाई जाती हैं जिनकी आंतरिक सतह पर सीलिया होते हैं। इसकी जो गोनोडक्ट होती है उसकी जो इंटरनल सरफेस होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। एक नलिका चौड़ी होती है जो ओविडक्ट कहते हैं। अब यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो है ना, यहाँ पर ये देखो अंदर की ओर से जो आ रही है ये जो बाहर है, ये जो चौड़ा वाला भाग है इस तरह से जो बना है, इसमें ये जो चौड़ा वाला भाग है ये क्या है, ये ओविडक्ट है। यहाँ पर ये देखिए बाहरी ये चौड़ा वाला भाग ये ओविडक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक मिनट, पहले ओविडक्ट के बारे में बताती हूँ। ये जो वाला भाग है ना, बाहरी भाग है ये चौड़ा वाला, सॉरी अंदर चला गया, ये जो भाग दिख रहा है आपको ये बाहरी भाग है ना, ये क्या होता है, ये ओविडक्ट है जिसमें प्रत्येक ओवेरियन पिंड के क्षेत्र से आने वाली ओवेरियन डक्ट्यूल खुलती हैं। अब इसमें जो ओवरी से जो भाग आ रहा है ना, ये वाला ये सब यहाँ पे खुलेंगे है ना, इस तरह से ये पिंड पाया जा रहा है, इसमें अंदर ये इस तरह से खुलेंगे। जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर है तो ये जो ओवरी वाला ये जा रहा है कौन सा भाग, ये जो भाग है ये ओवरी वाला भाग हो गया है ना, जो कहाँ से जा रहा है, ओविडक्ट से, ये रहा ओविडक्ट। इस डायग्राम से समझें या इस डायग्राम से समझ लें, ये होगा ओविडक्ट जिसमें क्या भरी हुई है, एग भरे हुए हैं है ना ओवरी में, और इसके अंदर से ये जो जा रहा है ये है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट में क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये टेस्ट इसमें जाके खुलेगा, इसमें स्पर्म भरे होंगे ये इस तरह से। ठीक है, फिर आगे तथा दूसरी नलिका बहुत सक्रिय होती है। अब दूसरी नलिका कौन सी हो गई इसमें, ये वाली, ये सक्रिय नलिका। ठीक है, दूसरी नलिका बहुत सक्रिय होती है जिसे स्पर्मेटिक डक्ट या वासर डिफरेंस या डिफरेंस कहते हैं। अब ये जो पतली वाली जो डक्ट है ना, ये इसको क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट या फिर वासर डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, जिसमें प्रत्येक पिंड के टेस्टिकुलर क्षेत्र से आने वाली स्पर्मेटिकल डक्ट्यूल खुलती है।
किस क्षेत्र से? प्रत्येक को स्पम वाले क्षेत्र से आने वाली डक्ट खुलती है। अब ये जो यहाँ से ये डक्ट जा रही है, यहाँ आकर के खुलेगी ये, किस में? स्पम डक्ट में, यहाँ से आने वाली ये जो आ रही है ना, इस तरह से ये जो स्पम में से आ रही है, सॉरी टेस्टिस में से आ रही है ना, ये भाग है टेस्टिस वाला। ये जो भाग है टेस्टिस वाला है ना, यहाँ ये, तो यहाँ से ये क्या होगी जब ये निकलेंगे है ना, इस टेस्टिस में से जब स्पर्म बाहर निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इस तरह से निकल के इसमें से इस स्पर्मेटिक डक्ट में जाएंगे है ना। और जो इसके आगे यहाँ पर जो यहाँ पर जो एग भरे हुए हैं ये वाले, ये कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से निकल के ऐसे ओविडक्ट में जाएंगे, ठीक है। और स्पर्म जो है वो इस स्पर्मेटिक डक्ट से यहाँ से निकल के स्पर्मेटिक डक्ट में जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बताती हूँ। ओविडक्ट जननांग के थोड़ा आगे तक रुकती है। जो ओविडक्ट है वो कहाँ पर ये जा रहा है ना, ओविडक्ट ये जा रही है, ये कहाँ पर? गोनड्स के थोड़े आगे तक रुकती है, तक जाती है, तथा एनस के थोड़ा पीछे क्लोएका या डॉर्सल एट्रियल कैविटी में ओविडिकल अपर्चर द्वारा खुलती है। किस रूप में खुलती है ये? या तो एट्रियल कैविटी में जाके ये ओविडिकल अपर्चर के रूप में खुलती है, जो कि चार मोटे होंठों द्वारा घिरा रहता है। अब जो ओविडिकल अपर्चर है ये किसके द्वारा? चार मोटे होंठों के द्वारा ये कवर्ड रहता है या घिरा रहता है। स्पर्मेटिक डक्ट ओविडक्ट के अंदर की ओर स्थित होती है। अब ये तो हमने अभी देखा कि स्पर्मेटिक डक्ट जो है वो ओविडक्ट के अंदर है ना, ये रहा यहाँ पे ओविडक्ट, और इसके अंदर क्या है? ये स्पर्मेटिक डक्ट है। और ओविडिकल क्षेत्र से थोड़ा पीछे क्लोएका में जाके खुलती है। ये कहाँ जाके खुलती है? क्लोएका में, ठीक है। इस तरह से ये हो गया ओवरी का इसके गोनट का स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्या है ये गोनट। इनके जो ये कैसे होते हैं, पहले तो ये हर्मफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये जो है प्रोटो गाइनस होते हैं, है ना, कैसे होते हैं? ये प्रोटो गाइनस होते हैं, इस वजह से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब प्रोटोगाइनस क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो है एग का फॉर्मेशन स्पर्म के पहले हो जाता है, ठीक है। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये दोनों साइड में एक लाइन में लगे हुए गोनड होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक गोनड में जो है एक स्पर्मेटिक डक्ट और एक ओविडक्ट दोनों में डिवाइड होता है ये इस तरह से। तो स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है वो ओविडक्ट के अंदर स्थित होती है ना, और इसमें प्रत्येक लोब में टेस्टिस और ओवरी पाई जाती है, जिसमें टेस्टिस में स्पर्म का और ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या होता है, ये ओवरी में से जो है एग पहले निकल जाते हैं और बाद में स्पर्मेटिक डक्ट से स्पर्म जो है वो बाद में रिलीज होते हैं। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, इसकी थ्योरी आप जो है अच्छे से तैयार कर लेना, और डायग्राम आप कोशिश करना कि आप इसी तरह से बिल्कुल क्लियर डायग्राम अपने बना सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इसमें बीच में मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जैसे इसमें है एफिनिटीज़ है ना, इनके किस किस के साथ में है, तो वो सब आप अपनी तैयार कर लेना एफिनिटीज़ सारी, क्योंकि वो थ्योरी थ्योरी है, कंपेरिजन है जो कि आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक लेंगे वो है डॉर्सल लेमिना और एंडोस्टाइल, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।